भैया से बात कराइए। चिराग पासवान ने थानेदार को लगा दिया फोन, फिर सीधे तौर पे कहा कि आपको पता है कि किस तरीके से सड़क दुर्घटना हुई है, क्या इनके परिवार के लोगों को मुआवजा का कोई प्रावधान है, सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, क्या इनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। दरअसल चिराग पासवान हाजीपुर में थे, वैशाली में थे, वैशाली के पानापुर में पहुंचे हुए थे और चिराग पासवान को इस बात की जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इस खबर के बाद परिवार के लोगों का बुरा हाल था। चिराग पासवान उन्हें ढाढ़स बंधाने पहुंचे हुए थे। पूरे बिहार में चिराग पासवान घूम घूम कर लोगों के बीच पहुंच रहे और उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में चिराग पासवान वैशाली पहुंचे और वैशाली में पानापुर का जो इलाका है वहाँ पे सड़क दुर्घटना हुई थी। देखिए किस तरीके से पहले चिराग ने कहा कि थानेदार को फ़ोन लगाइए, फिर थानेदार से बात करते हुए चिराग ने उन्हें सीधे तौर पे कहा कि आप इस पीड़ित परिवार की मदद कीजिए। चिराग पासवान का यह कोई पहला वीडियो नहीं है। राजधानी पटना में जब गरीब लोगों के बस्तियाँ उजाड़ा जा रहा था मंत्रियों के घर के सामने से, वहाँ भी चिराग अपने दलबल के साथ पहुँचे थे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा चिराग पासवान का जग जाहिर है, लेकिन अब बिहार में चिराग पासवान घूम घूम कर अपने चाचा पशुपति पारस और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। दिल्ली के 12 जनपद बंगले से बाहर निकालने के बाद चिराग पासवान पटना में कई जगहों पर उतर कर लोगों से अपने लिए समर्थन की मांग कर दी है और चिराग इसी कड़ी में बिहार के लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं। चिराग लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और सुनिए थानेदार को चिराग ने किस तरीके से इस पीड़ित परिवार को मदद करने की बात की है। थानेदार से चिराग पासवान ने बड़ी मांग की है, कहा है कि आप देर नहीं कीजिए, इस पीड़ित परिवार को जितनी जल्दी मदद हो किया जाए। देखिए वीडियो कि आखिर चिराग पासवान क्यों वैशाली के इस पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और फिर क्या हुआ उस थानेदार को जिसको चिराग ने फोन वीडियो करने जाने भैया के लिखे ले ना इन्हीं का पत्नी मतलब इन्हीं का हस्बैंड लाओ ना मोबाइल लाओ ना डीएम डीएम के लाओ ड्राइवर भाग गया और हाईवा वहीं जो भैया भैया से बात कराइए। राजकुमार भैया लगा है पहले टकला रख लिया लोग कर रहे हैं, भैया बात कर रहे हैं परिजन से हल्ला कम कर दे एक्सीडेंट की एक घटना आपको जानकारी होगी जो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे पानापुर में है। स्पीकर बंद करो ना इसका। हाँ क्या बोल रहे हैं? हेलो हाँ प्रणाम। इसकी आपको इस दुर्घटना की जानकारी है ना यहाँ पे पानापुर में जो हुआ है? हाँ नहीं तो इसमें क्या मुआवजा वगैरह का आप लोग कुछ कर रहे हैं? पोस्टमार्टम वगैरह कराए हैं? आप लोग पहला बोल रहे हैं
हाँ तो एक काम कीजिए ना, कल हम भेज रहे हैं यहाँ से, कौन जाएगा? कौन है यहाँ के, कौन है? कमल कल जाएंगे हमारा नाम लेके आपके पास, तो उसमें देखिएगा जो भी आर्थिक मदद हो सके उसको कीजिएगा, हम आगे डीएम साहब से भी हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक बोल रहे हैं, भेज दीजिए हमारे पास। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।